हेलो दोस्त, मैं रोहित कुमार पटेल VST टीलर्स एंड ट्रैक्टर लिमिटेड कंपनी से। आज हम आपको VST कंपनी के नए प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, जो हमारा पावर वीडर है। ये हमारा पावर वीडर VST कंपनी पुबड कंपनी जो फ्रांस की कंपनी के साथ टाई अप करके वो क्या करती है, पुबड कंपनी के साथ उस प्रोडक्ट को ले करके उसको कुछ मॉडिफाई करने के बाद वो अपने नाम से सेल करती है। जैसा कि हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारा VST कंपनी का लोगो है, ठीक है। तो VST कंपनी का, और यहाँ पर भी देख रहे हैं, ये हमारा VST पोबट, मतलब कि ये टाई अप करके दिखाया, मतलब VST क्या है, पोबट कंपनी के साथ टाई अप की है दोनों, ठीक है। दोनों आपस में टाई अप करके इस प्रोडक्ट को सेल कर रही है। तो आज हम इस प्रोडक्ट के बारे में, इस जो पावर वीडर है, इस पावर वीडर के बारे में अच्छे से जानेंगे, इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, यूज, एडवांटेज, हाउ टू यूज, इन सब चीज़ के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। इस पावर वीडर की बात करें तो इसका इंजन 212 सीसी का है, 212 सीसी 4.2 किलोवाट, लगभग 6 HP का है ये पावर वीडर। तो इसका फ्यूल कंजप्शन की बात करेंगे, इसका फ्यूल कंजप्शन लगभग 600 से लेकर 900 ml पर घंटा है, अप्रॉक्स में लगभग 700 ml पर घंटे है। और इस पावर वीडर का टोटल वेट की बात करेंगे तो ये लगभग 78 kg का है। अब हम देखते हैं इस पावर वीडर को कैसे ऑपरेट करते हैं। यदि हम इस पावर वीडर की बात करेंगे तो ये हमारा स्टार्टिंग मेथड रस्सी द्वारा, ये हमारे देख रहे हैं यहाँ पर, इसको खींच करके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिकॉलिंग स्टार्टिंग मेथड। पहले हम सारे लीवर के बारे में जान जाते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं, ये पहले हमारा स्टार्टिंग स्विच है, ठीक है। स्टार्टिंग स्विच में देख रहे हैं, यहाँ पर ऑफ और ऑन दो स्विच है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले इस स्विच को ऑन करना पड़ता है, ठीक है। इस स्विच को ऑन हो जाएगा, ऑन होने के बाद ही ये हमारे पावर वीडर स्टार्ट होंगे। जैसे हम स्टार्टिंग स्विच को ऑन करने के बाद यहाँ पर ये देख रहे हैं रिसाइकिलिंग, जो हमने बताया रस्सी से स्टार्ट होने वाला है, इसको खींचेंगे, ठीक है। इसको खींचने के बाद ही ये हमारा स्टार्ट होगा। यदि इसको हम ऑफ पोजीशन में करके स्टार्ट करना चाहते हैं तो नहीं स्टार्ट होगा, ये ऑफ पोजीशन में है। आप रस्सी को कितनों भी खींचिए हमारा पावर वीडर स्टार्ट ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्विच ऑफ है। जब तक इसको ऑन नहीं करेंगे तब तक हमारा पावर वीडर स्टार्ट होगा ही नहीं। ये हो गया। इसके बगल में देख रहे हैं, ये हमारा गियर लीवर है, ठीक है। ये हमारा मेन गियर लीवर है, इसमें दो गियर है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं फर्स्ट गियर है, ये सेकंड गियर है, बीच में न्यूट्रल है। अभी देख रहे हैं फर्स्ट गियर में लगा है, न्यूट्रल करना है, तो ये हमारा न्यूट्रल हो गया, ठीक है। और सेकंड गियर लगाना है तो ये नीचे कर देंगे, हमारा सेकंड गियर लग गया, वो गियर लीवर हो गया। फिर इसके बाद आगे इधर आते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारा एक्सेलरेटर है, ठीक है। तो ये हमारा एक्सेलरेटर लीवर है, ठीक है, जिससे हम स्पीड को कम या ज़्यादा करते हैं, ठीक। और इसके नीचे देख रहे हैं, ये हमारा एक लीवर है, आप दिख रहा है, ये हमारा रिवर्स का लीवर है, रिवर्स गियर के लिए, ठीक है। रिवर्स गियर लगाना था, इसके लिए यहाँ पर गियर लीवर नहीं दिया है कोई, यहाँ पर एक लीवर दे दिया है, ठीक है, यहाँ पर हैंडल के पास, ठीक है, रिवर्स के लिए है। बाकी यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये हमारा क्लच लीवर है, ठीक है। तो ये क्लच लीवर है, क्लच लीवर का मतलब कि वैसा इसको दबाएंगे तभी आके गाड़ी आगे बढ़ेगी, अन्यथा नहीं बढ़ेगी। अब क्लच लीवर में देख रहे हैं, ये हमारा एक सेफ्टी लॉक दिया है, ताकि कोई बच्चा या फिर कोई भी हो, सेफ्टी पर्पज से दिया है, ताकि कोई ट्रैक्टर चल रही है, गियर में है ये हमारा, ठीक है, वीडर चल रहा है और गियर में है, अचानक इसको दबा के इस छोड़ दिए हैं तो हमारा तो आगे बढ़ेगा, लेकिन अचानक कोई बच्चा आ गया, इसको दबा दे रहा है तो दुर्घटना की संभावना हो जाती है। इसलिए क्या कहें, सेफ्टी पर्पज़ के नाम से ये हमारे सेफ्टी लॉक दिया है, ठीक है। और सेफ्टी लॉक लगा रहेगा तो इस क्लच लीवर कितना दबाइए नहीं जाएगा, ठीक है, मतलब गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो इसको दबा करके फिर इसको क्लच दबाना है तो जाके आपका क्लच वर्क करेगा। और देख रहे हैं यहाँ पर भी एक लीवर दिया है, इस लीवर के द्वारा हम क्या करते हैं, ये जो हैंडल है, ठीक है, ये जो हैंडल है, हैंडल को इसको लूज करके हैंडल को ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जैसा चाहे वैसा सेट कर सकते हैं, मतलब कि इस हैंडल को सेट करने के लिए यहाँ पे एक लीवर दिया है जिससे हम लूज कर देंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर तीत कटे हुए हैं, इससे हमारा सेट हो जाता है, ठीक है। इससे हम ऊपर नीचे कर सकते हैं हैंडल को, ठीक है, हैंडल को ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जो भी करना है उससे हम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टार्टिंग का, कैसे स्टार्ट करते हैं इसको। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग स्विच को ऑन कर देंगे, ठीक है, स्टार्टिंग स्विच को ऑन कर देंगे। फिर इसके बाद जैसे स्टार्टिंग स्विच ऑन होगा उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हैंडल जिसे इस पावर वीडर में भी आ गया है जिसे हम दूसरे दिखा दे रहे हैं, ठीक है,
ये रिसाइक्लोली मतलब रस्सी जो है इसको तेजी से खींचेंगे, ठीक है, तेजी से खींचेंगे तो ये क्या करेगा, इसके अंदर एक व्हील, इसके अंदर एक व्हील पुली लगी हुई है जो क्या अगर घूमेगा वो क्या करेगा हमारे क्रैंकशाफ्ट को घुमाएगा जिससे हमारा कि इंजन स्टार्ट हो जाएगा। यदि हमारा इंजन स्टार्ट हो गया, स्टार्ट होने के बाद क्या करेंगे, इसमें हमारा जो गियर बॉक्स यूज हुआ है वो हमारा स्लाइडिंग मेज गियर बॉक्स यूज हुआ है, स्लाइडिंग मेज गियर बॉक्स यूज हुआ है तो मतलब कि पहले क्या करना पड़ेगा, इस पावर वीडर को चलाने के लिए सबसे पहले क्या करें, गियर को लगाएंगे, ठीक है, फिर इसके बाद क्लच दबाएंगे। तो गियर को लगाने के लिए सबसे पहले हमको अभी हमारा पावर वीडर स्टार्ट हो गया, अब इसको आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, गियर यूज करेंगे, हमको फर्स्ट गियर सेकंड गियर कौन से गियर यूज करना है वो आपको डिपेंड है, सबसे हम पहला गियर यूज करें फर्स्ट गियर, तो ये हमारा फर्स्ट गियर, ये हमारा फर्स्ट गियर लग गया, ठीक है, यहाँ पर न्यूट्रल है, ये हमारा फर्स्ट गियर है, ठीक है, फर्स्ट गियर यूज हो गया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे हल्का सा ये रेस देंगे हल्का सा, ठीक है, ये रेस हल्का सा दे देंगे। फिर इसके बाद रेस देने के बाद फिर क्या करेंगे, ये सेफ्टी लॉक दबाएंगे, ठीक, सेफ्टी लॉक दबा करके क्लच दबाएंगे, जैसे क्लच दबाएंगे वैसे ही गाड़ी आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। और जैसे ही हम क्लच लीवर को दबाए रखें तो गाड़ी आगे चल रही है, जैसे ही हम इसको छोड़ देंगे क्लच लीवर को वैसे ही हमारा अपने ऑटोमेटिक रुक जाएगा। आपको ये चीज़ ध्यान देना है, कभी भी पहले क्लच नहीं दबाना है, पहले इसको क्लच को नहीं दबाना है, पहले गियर लगाना है फिर उसके बाद ही क्लच दबाना है। यदि आप उल्टा कर दे रहे हैं, ऐसे सपोर्ट क्लच दबा के गियर लगा रहे हैं तो आपकी गियर बॉक्स से आवाज़ आएगा, आपका गियर बॉक्स टूट जाएगा, ख़राब हो जाएगा, इसलिए पहले आपको गियर सेलेक्ट करना है फिर इसके बाद क्लच दबाना है। और वैसे सेकंड गियर लगाना है तो वैसे ही ट्रैक्टर चल रहा है, एक सेकंड गियर लगा दीजिए न्यूट्रल, एक सेकंड हो गया, ठीक है, सेकंड गियर है, सेकंड गियर लग गया, फिर इसके बाद क्लच को दबाएंगे हमारा सेकंड की स्पीड में चलेगा। अब यदि हमको रिवर्स में चलना है, रिवर्स में चलने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मेन गियर को क्या करेंगे, न्यूट्रल करेंगे, ठीक, ये हमारा हो गया न्यूट्रल, ठीक है, ये मेन गियर हमारा न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल होने के बाद क्या करेंगे, आएंगे इस पर रिवर्स में, रिवर्स के लिए, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं रिवर्स के लिए क्या रखा है, एन प्लस क्लच लीवर, ठीक, इक्वल टू रिवर्स, ठीक है, मतलब पहले हम लीवर को दबाएंगे इसे न्यूट्रल इसको न्यूट्रल में करेंगे पहले, ठीक है, इस मेन गियर को हम न्यूट्रल करने के बाद फिर क्या करेंगे, इस लीवर को ऑपरेट करेंगे, इस लीवर कौन सा है, ये वाला, ठीक है, ये रिवर्स का लीवर है जैसा देख रहे हैं वहाँ पर, ठीक है, वो रिवर्स का, इस लीवर को पहले दबाएंगे, पहले मतलब पहले बोल दिया कि पहले आपको गियर लगाना है तो पहले क्या करेंगे, रिवर्स का गियर लगाएंगे ऐसे, ये फुली दबाना है, हाफ नहीं, ऐसा नहीं, फुली दबाना है, ठीक है, फुली प्रेस करने के बाद फिर क्या करेंगे, रिवर्स गियर लग गया, अब क्या करेंगे, एक्सेलेरेटर को दबाएंगे, ये इसको सेफ्टी लॉक दबा करके, सॉरी क्लच को, ये क्लच को दबाएंगे तो हमारा क्या होगा, गाड़ी रिवर्स में आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आपको फॉरवर्ड और रिवर्स का सारे गियर के बारे में बता दिए, इसने लीवर किया है। अब हम इस पावर वीडर के मेंटेनेंस के बारे में जानते हैं, ऑपरेशन तो हो गया, कैसे ऑपरेट करते हैं, अब हम मेंटेनेंस के बारे में जानते हैं कि क्योंकि मेंटेनेंस ही सबसे इसकी लाइफ होती है, मेंटेनेंस बना कर रखेंगे तो इंजन की लाइफ बनी रहेगी, मतलब पावर वीडर की लाइफ बनी रहेगी, यदि मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो आपका पावर वीडर जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो मेंटेनेंस की बात करते हैं तो इस पावर वीडर की पहली सर्विस 20 घंटे बाद होती है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, पहली सर्विस नए के बाद जो पहली सर्विस करेंगे वो 20 घंटे बाद, फिर इसके बाद बाकी जितनी सर्विस होगी 50 घंटे बाद, ठीक है। तो जब पहली सर्विस 20 घंटे बाद करेंगे तो उसमें सारे गियर सारे ऑयल चेंज करने हैं, जैसे ये सारे ऑयल, इंजन का ऑयल, गियर बॉक्स का ऑयल और बाकी क्लच लीवर, एक्सेलेरेटर लीवर, ब्रेक लीवर, सारे मतलब जितने भी लीवर हैं सारे लीवर का मेंटेनेंस करेंगे 20 घंटे बाद। बाकी जब 50 घंटे बाद दूसरे मेंटेनेंस करेंगे, दूसरी बार सर्विस, तो सेकंड सर्विस में क्या करना है, आपको गियर बॉक्स का ऑयल नहीं चेंज करना है, केवल इंजन का ऑयल चेंज करना है, ठीक है। तो इंजन में कौन सा ऑयल यूज होता है, SI 20W40, और इसके गियर बॉक्स में कौन सा ऑयल होता है, SI 90। अब हम बात करते हैं इसके एयर क्लीनर के बारे में, इसका एयर क्लीनर है, एयर क्लीनर कौन से टाइप का है, ऑल बाथ टाइप का एयर क्लीनर है, ठीक है, ऑल बाथ टाइप का एयर क्लीनर है, मतलब कि इस एयर क्लीनर में ऑल भरा जाता है, ऑल कहाँ तक भरेंगे, इस लेवल तक, यहाँ आप देख रहे हैं ऑल का लेवल लिखा है, ऑल लेवल, इस लेवल तक ऑल को आप फिलअप करना है, हमेशा फिलअप करके रखना ही है, इसको आपको 7 से 8 घंटे बाद चेंज करना है हमेशा, यदि ज़्यादा डस्ट एरिया चला रहे हैं तो उसे पहले चेंज कर दीजिए। और इसके एयर क्लीनर में जो ऑल भर रहे हैं कौन सा ऑल भरेगा, इंजन वाला बोले तो SI 20W40, ठीक है, SI 20W40 का नंबर का ऑयल इसमें फिलअप करेंगे, कितना, लगभग 25 ml तक भर देंगे तो इस मार्क तक चलाएगा, ठीक है, इस मार्क से एबव नहीं होना चाहिए, नहीं से डाउन होना चाहिए, यदि एबव हो गया, इससे ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, हमारा यहाँ से ब्लू स्मोक देना स्टार्ट कर देगा इंजन, ठीक है,
यदि और इससे कम हो गया तो क्या होगा, इंजन हमारे सीज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डस्ट पार्टिकल चले जाएंगे सिलेंडर के अंदर, ठीक है, डस्ट पार्टिकल चले जाएंगे तो इंजन हमारे सीज हो जाएंगे। इसलिए इस लेवल को मुख्य रूप से बना के ही रखना है ऑयल का। अब हम बात करते हैं इंजन ऑयल की, ठीक है। इंजन ऑयल को फिलअप करने के लिए यहाँ पर दिया है, इस साइड पर दिया है फिलअप करने के लिए, ठीक है, ये और यहाँ पर भी फिलिंग कैप दिया हुआ है, ठीक है। इसको खोल करके किसी भी एक साइड से खोल करके हम ऑयल का फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और इंजन का ऑयल ड्रेन करने के लिए यहाँ पर दिखा है ड्रेन प्लग, ठीक है, ये दिख रहा है। इस ड्रेन प्लग को खोल देंगे, ऑयल यहाँ से गिरना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब इंजन का ऑयल पूरा ड्रेन करने के बाद यहाँ इसको बंद कर देंगे ड्रेन प्लग को। फिर इसके बाद यहाँ इसको खोल करके फिलिंग कैप को यहाँ से ऑयल को फिलअप करेंगे, कौन सा, ऐसे 20W40 नंबर का ऑयल इंजन में फिलअप करेंगे, कितना, 600 ml, इसकी कैपेसिटी है 600 ml तक के बाद फिलअप करना है। और बाकी हम गियर बॉक्स की बात करेंगे तो गियर बॉक्स में हमारा कौन सा ऑयल देता है, SA90, ठीक है, SA90 ऑयल यूज करते हैं। इसमें फिलिंग के लिए यहाँ पर फिलिंग कैप दिया है, ठीक है। इसको खोलेंगे और इसके अंदर फिलअप करेंगे यहाँ से 90 नंबर का ऑयल। और जैसे ही गियर बॉक्स के अंदर ऑयल फिलअप करेंगे वो ऑयल कहाँ चलाएगा, सीधे इसके रोटरी में, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं, इसको सबसे पहले ऑयल को निकालने के लिए यहाँ देख रहे हैं एक नट दिख रहा है, ठीक है, ये ड्रेन प्लग है। इस ड्रेन प्लग को खोलेंगे, खोल करके पूरे ऑयल को ड्रेन कर देंगे, गियर बॉक्स के ऑयल को ड्रेन करने के बाद इस ड्रेन प्लग को लगा देंगे। लगाने के बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ से ऑयल को फिलअप करेंगे। और इसके फ्यूल टैंक की बात करेंगे तो ये फ्यूल टैंक हमारा 3.5 लीटर कैपेसिटी है इसकी, फ्यूल टैंक की, ठीक है। इसमें पेट्रोल इंजन है तो पेट्रोल ही फ्यूल यूज़ करना है। बाकी और क्लच लीवर को एडजस्ट करना है तो ये हमारा क्लच लीवर है, क्लच लीवर का ये वायर आ रहा है, इसका क्लच लीवर को एडजस्ट करने के लिए यहाँ से एडजस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से एडजस्ट हम क्लच लीवर को लूज या टाइट करेंगे, ठीक है। ऐसे ही हमारा रिवर्स गियर का है तो रिवर्स गियर को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर दिया है एडजस्टिंग। एक बार फिर से हम आपको मेंटेनेंस के बारे में बताते हैं, मतलब इसका पीरियड क्या है। तो पहली सर्विस इसकी हम 20 घंटे बाद करेंगे। 20 घंटे बाद जब करेंगे तो क्या करना है, इसके इंजन का और गियर बॉक्स का सभी ऑयल चेंज करने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी सर्विस कितने घंटे बाद, 50 घंटे बाद। जब 50 घंटे बाद करेंगे तो क्या करेंगे, केवल इंजन का ऑयल चेंज करना है, गियर बॉक्स का ऑयल नहीं चेंज करना है, ठीक है। केवल इंजन का ऑयल हमेशा हर 50 घंटे बाद मेंटेनेंस करना ही है आपको। इंजन का ऑयल 50 घंटे बाद चेंज करना है हमेशा, मतलब पहली सर्विस 20 घंटे बाद, फिर 50 घंटे बाद हमेशा चेंज करना है, ठीक है। पहली सर्विस में सारे ऑयल चेंज करने हैं और फिर इसके बाद केवल इंजन का ऑयल चेंज करना है। फिर 200 घंटे बाद, जैसे इंजन हमारा 200 घंटे चल जाएगा, 200 घंटे चलने के बाद आपको गियर बॉक्स का ऑयल चेंज करना है, मतलब हर 200 घंटे में हमारे गियर बॉक्स का ऑयल भी चेंज करना है। और प्रत्येक, जैसे ही हमारा ये इंजन 300 घंटे चल जाएगा, 300 घंटे चलने के बाद इसके स्पार्क प्लग को चेंज कर देना है, ठीक है। स्पार्क प्लग को चेंज करना है, आपको फ्यूल टैंक की सफाई करनी है, ठीक है। और इसके क्या करेंगे, इसके स्पीड को मेंटेन करेंगे, मतलब कि इसके स्पीड को चेक करेंगे, स्पीड हमारा सही है कि नहीं है, सही, मतलब कि हमारा 3600 RPM चलता है, 3600 RPM दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये सब चीज़ें चेक करेंगे। और इंजन को 500 घंटे बाद, जैसे ही 500 घंटे चल जाएगा उसका डीकार्बोनाइजेशन करेंगे, मतलब डीकार्बोनाइजेशन का मतलब क्या है, सिलेंडर हेड को खोलेंगे, इसके सिलेंडर हेड को खोल करके इसके हेड के ऊपर, वाल्व के ऊपर, पिस्टन हेड के ऊपर जितने भी कार्बन जमे उस कार्बन को हटाएंगे, ठीक है, डीकार्बोनाइजेशन करेंगे, ठीक है। तो इतना हम पूरे मेंटेनेंस उपयुक्त तरह से बता दिए आपको। तो दोस्त हमने तो सारी चीज़ बता दी, आप तुम लोग आप लोगों को लगता हो कि ये प्लम्बिंग कैसे करेगा, मतलब इससे हम फील्ड में वर्क कैसे करेंगे। आप लोग कुछ लोगों को लगता होगा कि ये हमारा टाइम्स है, इसके द्वारा प्लम्बिंग होगी, नहीं, ये टाइम्स नहीं है, ये हमारा डेप्थ शू है, ठीक है। इसको हम डेप्थ शू बोलते हैं, इससे क्या करते हैं, हम डेप्थ को मेंटेन करते हैं, मतलब कितनी गहराई तक हमें प्लम्बिंग करनी है, ठीक है। इसको प्लम्बिंग करने के लिए क्या करते हैं, ये हमारा रोटर है, ठीक है, ये रोटर लगे हैं, इस पर टाइम्स लगे हुए हैं रोटर के ऊपर, ये लगते हैं हमारे, कहाँ लगते हैं, इस व्हील के पास, ठीक है। अब दिखाते हैं आपको। आप कुछ लोग सोच रहे होंगे व्हील के पास किस लगेगा, व्हील के पास मतलब कि ये व्हील हमारे व्हील के लिए है, ट्रांसपोर्टिंग के लिए दिया है, ठीक है। ट्रांसपोर्टिंग करने के बाद जैसे फील्ड में ले चले जाएंगे इस व्हील को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। व्हील को बाहर निकाल करके वहाँ पर ये हम जो रोटर है उस रोटर को यहाँ पर फिट करेंगे व्हील के पास, ठीक है, इसके बाद चलेगा। तो कुछ लोग हम दिखाते हैं तो व्हील के लिए देख रहे हैं, यहाँ पर एक पिन दी हुई है, इस पिन को बाहर निकालेंगे, ठीक है, जिससे हमारा ये बाहर निकल जाएगा व्हील, ये भी व्हील, और ये इस पिन को निकाल के इस व्हील को बाहर निकाल देंगे। व्हील को बाहर निकालने के बाद ये हम देख रहे हैं रोटर है, ठीक है, इस रोटर को ले जा करके इस व्हील बाहर निकल जाएगा। यहाँ शाफ्ट देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, इस शाफ्ट के अंदर इस हेलो शाफ्ट को, मतलब रोटर को इसके अंदर लगा देंगे, ठीक है, इसके अंदर लगा देंगे। लगाने के बाद क्या करें, इस क्लैंप के द्वारा जो हमारा पिन है, इस पिन के द्वारा यहाँ पर से इसको हम लगा देंगे,
ठीक है, इसको लगा देंगे तो हमारे व्हील की जगह पर रोटर हो गया, अब इंजन चलेगा, ठीक है, पावर गियर बॉक्स में जाएगा, गियर बॉक्स पावर ये पीटियों के द्वारा यहाँ रोटर में आएगी, रोटर के द्वारा ये शाफ्ट घूमेगी, जब शाफ्ट घूमेगी तो हमारा पूरी रोटर घूमेगी, ठीक है, जिससे हमारा टीलिंग होगा। अब हम बात करते हैं इसके रोटर के बारे में, तो रोटर हमारा कितना है, 60 से 90 सेंटीमीटर चौड़ाई तक ये टीलिंग कर सकता है फील्ड के, ठीक है, 60 सेंटीमीटर कब करेगा, मतलब कि जैसे इसमें देख रहे हैं तीन फ्लंज लगे हुए हैं, ठीक है, मतलब कि किसमें केवल कितने हैं 12 ब्लेड लगे हैं, चार इसमें, ठीक है, 12 ब्लेड लगे हैं, जैसे इसमें आप देख रहे हैं बीच में एक पिन है, इस पिन की तो निकाल के इस चार ब्लेड को बाहर कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, जब इसको बाहर निकाल लेंगे इसको बाहर, ये दो एक साथ है एक अलग है, ठीक है, जब केवल दो के साथ चलाएंगे, ठीक है, दो इस साइड रहेगा, मतलब कि दो इस साइड रहेगा और दो उस साइड रहेगा, लगा देंगे तो कितना हमारा जुताई करेगा 60 सेंटीमीटर तक, ठीक है, और जब आपको 90 सेंटीमीटर जुताई करनी है तो क्या करेंगे, इसको तीनों का अटैचमेंट करेंगे, इसको भी और इसमें भी तीनों अटैचमेंट करके यहाँ पर फिट कर देंगे और चलाएंगे तो हमारा 60 सेंटीमीटर तक ये जुताई करेगा। जब हम इस रोटर को फॉरवर्ड की स्पीड में चलाएंगे तो कितने आरपीएम पर चलेगा, जिससे हमारा इंजन हमारा 3600 आरपीएम पर चलेगा, ठीक है, 3600 आरपीएम इस इंजन 3600 आरपीएम पर चलेगा, तो ये रोटर हमारा कितने आरपीएम पर चलेगा, 60 से 80 आरपीएम पर चलेगा, ठीक है, रोटर फर्स्ट गियर में 60 से 80 आरपीएम पर चलेगा, तथा सेकेंड गियर में जब सेकेंड गियर लगाएंगे तो हमारा 140 से 160 आरपीएम पर चलना स्टार्ट हो जाएगा सेकेंड गियर में, ठीक है। बाकी आप रिवर्स में चलाना चाहते हैं तो रिवर्स में भी, रिवर्स का गियर लगाइए, ये हमारा रिवर्स में भी चलना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी इसके चक्कर में पड़िएगा, हमारे डेप्थ शू है केवल डेप्थ को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी डेप्थ की, स्टीलिंग डेप्थ इसका टीलिंग डेप्थ मैक्सिमम 8 इंच तक है, ठीक है, मतलब कि 7 इंच से ज़्यादा गहराई तक ये जुताई करेगा फील्ड की, ठीक है। यदि आपको गहराई कम ज़्यादा करना है तो इसमें होल देख रहे हैं यहाँ पिन लगी हुई है, इस डेप्थ शू को ऊपर करेंगे तो गहराई बढ़ेगी और जिस को नीचे करेंगे तो गहराई कम होगी, ठीक है, जैसे आप चाहिए जिस गहराई चाहते हैं उस गहराई पर आपकी प्लॉविंग की जाएगी इसे। यदि बाकी आपको यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर एक पिटियो दिया हुआ है, बाकी यदि आपको यहाँ पर से कोई मोटर लगाना है या फिर पंप सेंट्रीफ्यूगल पंप लगाना है लिफ्टिंग वाटर के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर एक पिटियो दिया हुआ है, इसको खोल करके पिटियो अटैचमेंट कर सकते हैं जिसके द्वारा आप लिफ्टिंग किसी भी काम एक्सटर्नल काम को कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको गियर सेट नहीं करना है, इंजन को स्टार्ट कर दीजिए, पिटियों चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, उसके साथ जो भी अटैचमेंट किया है वो भी चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ये तो इसमें पिटियों भी प्रोवाइड किया गया है इस मॉडल में। तो दोस्त आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। बाकी इस मॉडल का नाम बता रहे चाहते हैं, इस मॉडल का नाम है मैस्ट्रो, ठीक है, पुबड़ कंपनी का है, इसे मैस्ट्रो के नाम से जानते हैं, मैस्ट्रो वीडर, मेस्ट्रो 55P पावर बीडर इसका पूरा नाम है, ठीक, जो हमारी VST कंपनी अब इसको सेल कर रही है। इसमें वाइब्रेशन अदर कंपनी की अपेक्षा बहुत ही कम है, ठीक, थैंक यू। बाकी दोस्त मेंटेनेंस की बात हो गई, अब हम आपको दिखाते हैं इसके चोक के बारे में बताते हैं कि कभी कभी क्या होता है, ये पावर बीडर हमारा ठंडी के मौसम में जल्दी स्टार्ट नहीं होता है तो चोक इसके लिए प्रोवाइड किया जाता है पेट्रोल इंजन में, ठीक है, तो देख लेते हैं इसका चोक कहाँ है और कैसे वर्क करता है, ठीक है। ये हमारा है, देख रहे हैं एयर क्लीनर नीचे ही हमारा लगा है, यहाँ पर देख रहे हैं दो लीवर दिख रहे हैं यहाँ पर दो, ठीक है, एक ऊपर है एक नीचे है, ऊपर का जो हमारा चोक है, ठीक है, जैसे ठंडी के मौसम में हमारा इंजन सही से स्टार्ट नहीं हो रहा है या फिर जल्दी स्टार्ट नहीं हो रहा है, जल्दी स्टार्ट करने के लिए कहें चोक लगा देते हैं। ये हमारा यहाँ आप देख रहे हैं असेंबल भी बना हुआ है, जब इसको यहाँ देख रहे हैं आप इस साइड करेंगे, देख रहे हैं इस साइड करेंगे तो चोक लगेगा, इस साइड करेंगे तो रन रहेगा मतलब चलेगा केवल, तो हमको चोक लगाने के ये चोक लगा दिए, इस साइड करिए वहाँ चोक लग गया, फिर इसके बाद स्टार्ट करेंगे तो इजी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे इंजन स्टार्ट होगा वैसे इस चोक को हटा देना है, ठीक है। यदि चोक को लगाए हुए चलाएंगे तो क्या होगा, आपका फ्यूल कंजम्पशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा और इंजन प्रॉपर एफिशिएंसी भी नहीं देगा, इसलिए केवल स्टार्टिंग के लिए केवल दिया है, इजी स्टार्ट हो गया तो इसके बाद चोक को हटा देना है, ठीक है। और नीचे एक लीवर दिया है यहाँ पर, एक यहाँ पे भी दिया है, ये क्या है, फ्यूल को ऑन या ऑफ करने के लिए, जिससे पेट्रोल जो आ रहा है वहाँ पर, इसको यदि यहाँ पर देख रहे हैं फ्यूल का ऑन ऑफ का सिंबल बना है तो यहाँ पर इसको इस साइड कर देंगे, इसको हम ये इस साइड कर दिए तो क्या होगा, फ्यूल हमारा ऑफ हो गया, फ्यूल ऑफ हो गया मतलब फ्यूल हमारा नहीं जा रहा है, आप कितना भी आप स्टार्टिंग करिए कुछ भी करिए नहीं स्टार्ट होगा जब तक इसको ऑन नहीं करेंगे, तब फ्यूल हमारा हमेशा ऑन होने चाहिए, ठीक है, ऑन करने के बाद ही स्टार्ट करिएगा,
बाकी वैसे स्टार्ट करेंगे नहीं स्टार्ट होगा। और बाकी जैसे इसको स्टोर कर रहे हैं कहीं पर या फिर काम होने के बाद इसको रख रहे हैं तो इसका फ्यूल ऑफ कर दीजिएगा हमेशा, ठीक है। बाकी हम बात करते हैं एक्सेलरेटर को, एक्सेलरेटर को एडजस्ट स्पीड को कम या ज़्यादा करना है तो यहाँ पे देख रहे हैं कि स्क्रू दिख रही है, ठीक है। इस स्क्रू को लूज या टाइट करके हम एक्सेलरेटर को कम या ज़्यादा करते हैं, ठीक है। ये हमारा एडजस्टिंग स्क्रू है, ठीक। इस स्क्रू के द्वारा ही हम स्पीड को कम या ज़्यादा करते हैं। बाकी फ्रेंड ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।